मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। गुरुवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर अम्मू विजुंदा और सुश्री क्रांति खोड़े ने बताया कि बालकों का लैंगिक अपराधों का संरक्षण के प्रावधान के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लैंगिक हमले, उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों के न्यायिक प्रक्रिया में बालक के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करना और इसके लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया गया था जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसे लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष पुलिस इकाई, समस्त परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का अमला उपस्थित रहा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैडम, आज लैंगिक अपराधों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, क्या उसमें दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है, लैंगिक अपराधों का अधिनियम 2012 के बारे में हमने जानकारी दिया है। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, चूँकि लैंगिक अपराध जो होता है हमारे पास 0 से 6 वर्ष तक के हमारे हितग्राही होते हैं और उन्हीं हितग्राहियों के साथ जैसे गुड टच हुआ, बैड टच हुआ, इस तरह की कोई भी घटनाएं जो किशोरी बालिकाओं के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, तो हमारे डिपार्टमेंट से हमेशा क्या है, हमारा जो अमला है वो किस तरीके से उसमें कार्रवाई कर सकता है और किस तरीके से उन्हें काम करना है इस अधिनियम में, ये हमारे द्वारा आज मास्टर ट्रेनर्स बुलाए गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया। साथ ही कल जो अमेंडमेंट में चेंजेस हुए हैं, जैसे सजा को लेकर के चेंजेस हुए हैं, जहाँ 10 वर्ष की सज़ा थी वहाँ 12 वर्ष की 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान किए गए हैं। इस तरीके से जो भी चेंजेस हुए हैं लॉ में, वो भी हमारे द्वारा उन्हें बताया गया है, क्योंकि आज जो हम समाज में देख रहे हैं कि एक लैंगिक उत्पीड़न जो है, यौन शोषण जो है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की घटनाएँ बढ़ गई हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि इन घटनाओं के संबंध में, चूँकि पुलिस हमारा काम कर रही है, वो अपना कानून के अकॉर्डिंग कर रही है, लॉ जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन चूँकि हम एक सोशल डिपार्टमेंट है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि उन जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल मेंटेलिटी है, उसे चेंजेस किए जाए। रेप विक्टिम्स हुआ या और भी कोई विक्टिम्स हुए, उनके लिए एक प्रतिकूल, उनके अनुकूल माहौल तैयार करना, ताकि वो समाज में रह सके और अपना जो कंटिन्यूस शिक्षा है, काम है, वो कर सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस तरीके की सामाजिक जो सोच है उसको बदला जा सके और हमारा डिपार्टमेंट उसे एक्टिवली कितना पीड़िता को राहत पहुंचा सकता है, वो हमारा उद्देश्य है कि वो आसानी से उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाए जहाँ से वो अपनी दुख है या वो बता सके। उसी तारतम्य में हमारा वन स्टॉप सेंटर है, जिसका प्रचार प्रसार हमने किया है कि सडनली कोई बालिका, महिला या कोई भी हमें मिलता है रात बेरात कहीं पर भी, तो वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह है हमारे पास में, जहाँ हम उसे रात्रि विश्राम कर सकते हैं, उसे रुकवा सकते हैं, रेसिडेंसी हमने डेवलप किया है उसमें। तो ये एक हमारा मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सुविधाओं का प्रचार प्रसार करें और लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट को और लोगों को ये बता सकें कि आप किस तरीके से और कहीं सही जगह पर हम संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं और कहाँ कहाँ इन चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है। मोनिका बघेल, सहायक संचालक, महिला। मध्य प्रदेश के